फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। हम कंटिन्यू करेंगे डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। आज एक काफ़ी अच्छा समय, लास्ट लेक्चर में जो हमने सम किया था, वहाँ हमने असेट अकाउंट बनाया था और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, डिस्पोजल नहीं बनाया। पर आज जो मैं सम लाया हूँ उसमें हम तीनों बना रहे हैं, असेट भी बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बना रहे और डिस्पोजल भी बना रहे। तो हम आराम से एक सम रीड करते, काफ़ी अच्छा समय। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने डेप्रिसिएशन डिस्पोजल के स्टार्टिंग के तीन लेक्चर नहीं देखे, मेन तो स्टार्टिंग के दो लेक्चर जहाँ मैंने चैप्टर की पूरी थियरी बताई है, प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मुस्तफा एंड वेंट इन टू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2000, पॉइंट टू बी नोटेड ईच एंड एवरी वन, 1st April 2000। ओके, आराम से करते हैं। ऑन डेट डेट मतलब उसी दिन, दे परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए एन लिमिटेड फॉर डॉलर हाउ मच, 10,000। तो आपको याद है असेट खरीदने की एंट्री क्या आती है, सबको याद है ईच एंड एवरी वन क्या एंट्री आती है, असेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, याद है कि नहीं। और उधारी पे खरीदा है, ऑन क्रेडिट है, तो पार्टी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, सबको याद है कि नहीं। चलो, तो हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, असेट अकाउंट बना रहे हैं, मतलब इक्विपमेंट अकाउंट, 1st April 2000। अब पॉइंट टू भी नोटेड, बच्चे लोग सुनो, पॉइंट नंबर ए, प्रिपेयर फॉलोइंग अकाउंट इन द लेजर ऑफ मुस्तफा एंड सायद फॉर ईच ऑफ द ईयर एंडेड 31st March 2021 एंड 31st March 2022। पॉइंट टू भी नोटेड, तीन लेजर बनाने हैं और दो साल के लिए बनाना है। तो ईयर स्टार्ट कब हुआ है, 1st April 2000। आराम से, 1st April 2000 मतलब पहला ईयर क्या रहेगा, 2000 2001। सबको ये बातें समझती है, हमने असेट खरीदा तो इक्विपमेंट खरीदा, इक्विपमेंट डेबिट हो गया, कब खरीदा, ईच एंड एवरी वन कब खरीदा, 1st April को, किससे खरीदा, ए एन लिमिटेड, कितने में खरीदा, $10,000। तो सबको ये पहली एंट्री समझी, पहले अकाउंटिंग ईयर में ईच एंड एवरी वन फर्स्ट एंट्री क्या आई, इक्विपमेंट डेबिट हो गया और पार्टी का नाम क्या हो गया, क्रेडिट, सबको समझ है। ओके, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू प्रोवाइड फॉर अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। मेरी बात सुनो, मतलब परचेज होगा तब फुल डेप्रिसिएशन लगेगा और सेल वाले ईयर में, ईयर ऑफ सेल, नो डेप्रिसिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये क्या बोल रहा है, जिस साल खरीदेंगे असेट उस साल पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, पर बेचने वाले साल में डेप्रिसिएशन लगने वाला नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट वॉज एग्रीड दैट डेप्रिसिएशन शुड बी कैलकुलेट ऑन इक्विपमेंट ओन्ड एट 31st March ईच ईयर। हमको भी पता है डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20%। पॉइंट टू बी नोटेड ईच एंड एवरी वन, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें। मेथड का नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका भी मैंने वीडियो बनाया ईच एंड एवरी वन। और सेल कब हुआ है, बच्चे लोग, ऑन 1st October 2001, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, 1st October 2001, पहले आप मेरी बात समझो, क्या हमारा 1st October 2001 हमारे ईयर में आता है, नहीं आता। क्यों नहीं आता सर, क्योंकि हमारा फिलहाल साल क्या है, 2000 2001, 1st October 2001 मतलब नेक्स्ट ईयर आएगा, क्योंकि ये कब स्टार्ट हुआ है, 1st April, एंड कब होगा, 31st March 2001। तो 1st October 2001 बच्चे लोग नेक्स्ट ईयर में आएगा, सबको समझता है मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो मेरी बात। मैंने असेट खरीदा, उसकी एंट्री पास कर दी, अब असेट बेचा नेक्स्ट ईयर में, तो ये साल में क्या आएगा, ये साल में बच्चे लोग याद करो डेप्रिसिएशन आएगा। और डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री आपको याद है कि नहीं, मैंने वीडियो में बताया था, क्या एंट्री आएगा, एक अकाउंट डेबिट करना है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, अकाउंटिंग ईयर क्या है, जल्दी बोलो, 2000 2001, इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट में मैं लिख देता हूं इनकम स्टेटमेंट, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, $10,000
इंटू 20% स्ट्रेट लाइन मेथड 20% है बराबर, और पहली तारीख को खरीदा 1 अप्रैल को, तो ये फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हो गया 2000। सबको समझ है? अब ईयर खत्म हो गया तो हम इसको टैली कर देते हैं, अकाउंट को हम क्या करते हैं टैली, 10,000 10,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000, ऐसा सर्कल करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च, बैलेंस कैरी डाउन, तो नेक्स्ट ईयर क्या है बच्चे लोग 2012, फर्स्ट अप्रैल को जो कैरी डाउन है उसको बच्चे लोग हम क्या कर देंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 10,000। सबको समझा हाँ के ना, क्योंकि यही एंट्री पास हुई है। और दूसरी एंट्री बच्चे लोग क्या पास हुई है, इनकम स्टेटमेंट डेप्रिसिएशन चार्ज, कितना चार्ज हुआ 2000। मतलब ईयर वन में कुछ भी नहीं हुआ बच्चे लोग, सिर्फ हमने असेट खरीदा उस पर हमने क्या चार्ज किया डेप्रिसिएशन, यस और नो? 2000 2001, 31 मार्च, बैलेंस कैरी डाउन बराबर, और जो कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर 2012, फर्स्ट अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिख सकते हो चलेगा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, 2000। सबको ये समझा? अब मेन काम बच्चे लोग, मेन काम तो अब आया, सुनो, 1 अक्टूबर 2001 को आधा असेट बेच दिया ऑन क्रेडिट टू जेटा लिमिटेड फॉर $3,500। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, और ये ईयर ऑफ क्या है, सेल है, तो आपको याद है ईयर ऑफ सेल में जो बेचा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा नहीं। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आपको याद हो तो सेल करते वक्त 3 एंट्री पास करनी है, मैंने आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया था, याद करो, सेल करते वक्त 3 एंट्री पास करनी है। सबसे पहला तो असेट को क्या करना है, रिवर्स करना है, तो असेट कौन सा बैलेंस देता है डेबिट, उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट बराबर, असेट मतलब इक्विपमेंट, और कौन सा अकाउंट डेबिट कर देंगे डिस्पोजल, विथ व्हाट अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट याद है कि नहीं, तो ओरिजिनल कॉस्ट असेट का कितना है 10,000 है, पर हम 10,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा बेचा नहीं है, आधा बेचा है, तो इसलिए इधर कितना आ गया 5,000। क्या आपको मेरी ये बात याद है, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? सबको ये बातें समझती है हाँ के ना? पॉइंट नंबर टू, ईच एंड एवरी पॉइंट नंबर टू, पहले तो क्या किया असेट को क्या कर दिया रिवर्स, अब याद करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा रिवर्स, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कौन सा बैलेंस देता है याद करो क्रेडिट बैलेंस, उसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है सर, देखो ना 2000 है पर हम पूरा नहीं बेच रहे आधा बेच रहे, तो इसलिए रिवर्स भी क्या करेंगे आधे को ही करेंगे $1,000। सबको याद आया कि नहीं आया? तीसरी एंट्री सेल, असेट बेचा, किसको बेचा, ईच एंड एवरी वन, और कितने में बेचा याद करो ऑन क्रेडिट जेटा लिमिटेड 3,500, तो जेटा लिमिटेड अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट 3,500, और डिस्पोजल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्या आपको मेरी ये सब बातें समझती है ईच एंड एवरी वन, यस और नो? अब आराम से इसको लेजर में डालते, पहला एंट्री क्या है डिस्पोजल डेबिट असेट क्रेडिट, असेट मतलब इक्विपमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो 2012 एकदम आराम से असेट क्रेडिट हो रहा है, डेट क्या है 1 अक्टूबर बराबर है कि नहीं, डिस्पोजल डेबिट असेट क्रेडिट, तो असेट के क्रेडिट में डिस्पोजल अकाउंट लिख दो कितना बेचा 5,000 बराबर, और ओरिजिनल कॉस्ट जो बेचा उसका ओरिजिनल कॉस्ट, और असेट के अकाउंट में, असेट के अकाउंट में तो क्रेडिट हो गया, अब ये कौन सा अकाउंट है बच्चे लोग जल्दी बोलो डिस्पोजल अकाउंट, तो डिस्पोजल अकाउंट में ये नेक्स्ट ईयर 2000 ईच एंड एवरी वन 2012 फर्स्ट अक्टूबर डिस्पोजल क्या हो रहा है डेबिट, तो डिस्पोजल के डेबिट में बच्चे लोग मैं असेट लिख दूं बोलो हाँ के ना, कितना $5,000, तो पहली एंट्री हो गई। दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, तो ये डिस्पोजल अकाउंट है, तो 2012 फर्स्ट अक्टूबर
डिस्पोजल क्रेडिट हुआ तो हम भी उसके क्रेडिट में लिखेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिशन कितना, डॉलर 1000, और प्रोविजन फॉर डेप्रिशन क्या हुआ, डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के डेबिट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिशन के डेबिट में डिस्पोजल अकाउंट कितना आएगा, डॉलर 1000। सबको समझा ये दो एंट्री, यस और नो? अब थर्ड एंट्री क्या है, जेटा लिमिटेड जिसको बेचा, और डिस्पोजल क्रेडिट। तो डिस्पोजल के क्रेडिट में जेटा लिमिटेड कितने में बेचा, 3500। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये किसके रिलेटेड एंट्री है, सेल के रिलेटेड। मतलब हमारा सेल हो गया, सबको समझता है, सेल हुआ तो तीन एंट्री, असेट को रिवर्स करो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को रिवर्स करो। सर ये कौन सी एंट्री है, ये सेल वैल्यू, असेट बेचा, असेट हमारे पास से चला गया, किसको बेचा, जेटा लिमिटेड। अब अकाउंट को टैली करना है, तो सबसे पहले इक्विपमेंट अकाउंट 10000, तो बैलेंस कितना बचा, 5000, बराबर है कि नहीं। 31 मार्च को असेट के लेजर में कितना बैलेंस बचा, 5000 बैलेंस कैरी डाउन। आप नेक्स्ट ईयर चाहो तो उसको ब्रॉड डाउन कर सकते हो, बराबर है कि नहीं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चे लोग, ईच एंड एवरी वन। अब यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, याद रखना, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है, मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में, जर्नल के लेजर में, डिस्पोजल का जो भी डिफरेंस रहेगा, 500 डिफरेंस आ रहा है, डॉलर 500, 5000 माइनस 4500, वो कहाँ पे चला जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है, जो भी डिफरेंस रहेगा हम उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट में। इसका एंट्री क्या बनेगा, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और डिस्पोजल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डिस्पोजल, सबको समझा, जो भी डिफरेंस रहेगा याद रखना, डिस्पोजल के लेजर का जो भी डिफरेंस रहेगा उसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, इनकम स्टेटमेंट। पर हमको समझे कि ये हमारा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, सबको समझता है, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? अब कौन सा लेजर बच गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। पर ईयर खत्म हुआ तो आपको याद है 31 मार्च ईयर एंड को हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पर सर डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज कर रहे, आधा असेट बच गया, तो जो आधा असेट है डॉलर 5000 इंटू 20%, तो कितना आ जाएगा, डॉलर 1000। सबको समझता है, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? अब इसको टैली करेंगे तो इधर कितना आ गया, 3000, 2+1=3, और इधर बैलेंस 31 मार्च को बैलेंस कैरी डाउन, बराबर है कि नहीं। 3000 में से 1000 गया तो कितना बच गया, 2000, यस और नो? क्या आप सबको मेरी ये बातें समझती है? ये काफ़ी अच्छा सम था, क्योंकि यहाँ हमने तीनों लेजर बना दिए एकदम क्लियर। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा तो वो देखो। मैंने अब तक BRS डाल दिया, कैशबुक डाल दिया, रेक्टिफिकेशन करेक्शन ऑफ एरर्स डाल दिया, ये चौथा चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हुआ है आज, डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट असेट। होप्स आपको मेरी बातें समझी हो। आपको कुछ और चैप्टर चाहिए तो भी प्लीज रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको इधर तक समझा, ईच एंड एवरी वन? मुझे लगता है ये सम करने के बाद आप डेप्रिसिएशन का कोई भी सम कर सकते हो, पर आप कंसेप्ट पे फोकस करो। जो पहले दो वीडियो है जहाँ मैंने कंसेप्ट, हर लेक्चर का मैंने इंट्रोडक्शन डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू।